सिवान जिला के दरौदा बाजार में भइल इटालिको टाइल्स के गैलरी के उद्घाटन। जी हाँ, रुआ के बता दी कि बिहार में पहला बार इटाइल्स गैलरी स्टोर बा जौना के उद्घाटन भइल ह। इटालिको जौन की विश्व के प्रतिष्ठित मार्बल और टाइल्स के कंपनी हो, ओकर बिहार में पहला बार गैलरी स्टोर के उद्घाटन भइल ह, जौन की अपना सिवान जिला के दरौदा बाजार में भइल ह, आशीष सीमेंट स्टोर पर। अब रुआ वर्ल्ड क्लास टाइल्स और मार्बल जौन बाटे उ एही जा दरौदा में ही मिली। ये गैलरी स्टोर जौन बाटे आशीष सीमेंट स्टोर पर खुलल हटे। ये बिहार के पहला गैलरी हो। ऐसन देश में 50 गोले अभी तक गैलरी खुलल बा, जौना में बिहार में पहला बार दरौदा के आशीष सीमेंट स्टोर पर खुलल हो, जौना में बेहतर से बेहतर क्वालिटी के टाइल्स और मार्बल अब दरौदे में उपलब्ध रही। जी हाँ, दरौदा में ही उपलब्ध रही। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखते हैं मैच बॉक्स। आज बहुत खुशी के बात बा कि दरौदा में इटालिका टाइल्स के आज ओपनिंग भइल हटे। आज पूरा ओकर जितना भी कर्मचारी वालो मौजूद वालो और आशीष सीमेंट स्टोर में आज एक उद्घाटन भइल हटे। चलिए जाने के प्रयास करते हैं एक ओनर बाटे आशीष जी से कि का सोच के यहाँ के जी इटालिका टाइल्स के उद्घाटन करी। आशीष जी के पास आवतनी। आशीष जी, सबसे पहले मैच बॉक्स के तरफ से रहुआ के मुबारकबाद देवे के चाहतनी कि इटालिका जैसन बेहतर कंपनी के रहुआ फ्रेंचाइजी लेनी, का सोच के लेनी? जी नमस्कार। इटालिका एगो बहुत बड़ा ब्रांड है अपना इंडिया में, खास करके ओकर समझे के रहुआ ऑल ओवर वर्ल्ड के लगभग 60 देशों में माल सप्लाई होला। लेकिन अपना के यहाँ अभी आज भी लोग जो पुराना ब्रांड बा लोग ओकरे के ढोता। ये टाइल्स में रहुआ इटालियन मार्बल के लुक में एक से एक डिजाइन अवेलेबल बा। एक हमारे संगे बनी कंपनी के डायरेक्टर RM और ARM और एक कंपनी के पूर्व एम्प्लॉई अपन मोनू शाही जी जो कि बगल के बनी हाथोपुर के, बाकी जानकारी यहीं के दे हमारे। अच्छा, मोनू भैया का सोचनी कि अपना गांव क्षेत्र में सब बेहतर मार्बल से लिया? हमने कि आज भी टाइल्स लेवे खातिर या तो बड़ शहर में जाए के पड़त रहा, जौन कि हमारा दिमाग में आई कि अगर कहे ना दुरौंधा में अगर एकरा के सेटअप अवेलेबल करा के बेचल जाओ तो जौन कस्टमर जाता पटना चाहे छपरा चाहे सिवान वो दुरौंधा में परचेज करी, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी सर्विस ओकरा के उपलब्ध करावल जावे जी हमने के छोटा शहर में ही। तो शुरू में जब हमने के स्टार्ट करी से तो हालांकि बहुत सारा परेशानी आई हमने के बेचे में, लोग समझ ना पावे कि का चीज़ हटे इटालिका ही। 2x2 से ऊपर लोग समझे ना करे कि 2x2 से ऊपर भी टाइल्स आवेला। आज हमने के डेट में 2x4 2.5x5 बड़के स्लैब इटालियन जोन कलेक्शन बोलल जाला वो हमने के जी दुरौंधा में बेचता नहीं सन। आज आवे वाला टाइम पर कंपनी के अभी और बड़के स्लैब अवेलेबल हुई अभी। बाकी अपन विजन जोन बाटे कंपनी के सर हमने के ज़्यादा बेटर बताए कि काका होगी। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सोचकर यहाँ पर आपने इटालिका मार्बल्स का यहाँ पर फ्रेंचाइजी दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ऑलरेडी हम लास्ट 5 साल से आशीष जी के साथ काम कर रहे हैं आशीष सीमेंट स्टोर में, और ये हमारा ये जो गैलरी सेगमेंट है उसमें बिहार का फर्स्ट गैलरी आज ओपन हो रहा है सिवान में। हाँ, बिहार का फर्स्ट है। ऑलरेडी 50 स्टोर कंपनी के 50 स्टोर स्टार्ट हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में और 50 का काम चालू है। तो ये साल एंड तक हमारा टारगेट है 100 गैलरीज हम ओपन कर देंगे। उसके अलावा डीलर्स की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में 600 डीलर्स का हमारा नेटवर्क है जो सब जगह पे इटालिका टाइल्स बेच रहे हैं ऑलरेडी। अब हमारा मेन विजन जो है गैलरी का, ये गैलरी का मतलब यही है कि यहाँ पे आपको कंपनी की पूरी रेंज अच्छी इनोवेटिव टाइल्स और एफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। तो आप समझो सिवान में गैलरी ओपन हुई है तो आसपास के एरिया में जो भी मेसन है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर है, एंड यूज़र है, उसके लिए हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छी टाइल्स एफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, गैलरी थोड़ा और थोड़ा शॉर्ट में समझाएं कि लोग समझना चाहते हैं कि इटालिका गैलरी का मतलब क्या हुआ? यस, गैलरी का मतलब ये हो गया कि कंपनी का ही पूरा आउटलेट आपको सिवान में मिला, आप समझ लो, जिससे आप उसके ऊपर 100% फेथ कर सकते हो कि भी ये 100% प्रीमियम प्रोडक्ट ही है और प्रीमियम मटेरियल ही आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो कंपनी का ये कंपनी का ही शोरूम हो गया जो हम डीलर के साथ रह के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
अच्छा, और क्या प्लानिंग है इटालिका गल्ली का, और कहाँ कहाँ फ्रेंचाइजी डालने वाले हैं आप लोग? ऑलरेडी मैंने बोला ऐसे कि ऑल ओवर इंडिया में और 50 जगह पे काम चालू है, 50 जगह पे ओपन हो भी जाएगा और 50 का बिहार में, अगर मैं बात करूँ बिहार में, पटना में अभी एक आएगी नेक्स्ट मंथ तक, एक बिहार में पटना में अभी आएगी एक गैलरी ओपन होगी। देख सका था नहीं कि जे भी कंपनी का ओनर बात करके प्रयास करनी है, और इटालिका गैलरी का आज बहुत ही बेहतर उद्घाटन भले बाद बाकी और बाकी सारा चीज़ इंटीरियर एकर दिखाए, तब तक बन रही मैच बॉक्स के इटालिका गैलरी जो टाइल्स के आज उद्घाटन भैल। आज हमारे साथ ओनर बानी आशीष सीमेंट स्टोर के जे मालिक बाटे चुना सिंह जी, बहुत खुशी के बात बा इतना बेहद बढ़िया शोरूम खुलल बाटे, का विचार मेल के ये सब टाइल्स के दुकान खोले के चाहिए? टाइल्स के दुकान माने हमारा बहुत जरूरी चीज़ हो गई बा सब कोई खातिर। अच्छा। लोग सिवान छपरा पटना जात भले लोकल में मिलू यही खातिर लोग के सुविधा हो को सब सामान बात हो रखा था, कहीं जाए के ना पड़े यही जी एक जगह एक छत के नीचे सब एक छत के नीचे सब पूरा। अच्छा, रोवा सौभाग्यशाली बनी कि बिहार के पहल का फ्रेंचाइजी रहो कि यहाँ खुलल बा। ये बात सही बा, बिहार में ऐसा अभी नहीं है लेकिन अब देखा देखी तो होइए जाई। दर्शक से का अपील करे के चाहते हैं? दर्शक से अपील करे में प्रचार प्रसार हो को ज्यादा मन बेचाओ लोग के खुशी बा देखला से हमरो खुशी बा लोग के अइला से बहुत ज्यादा मन हम अपना के महसूस कर चली जे बढ़िया चीज ले आइल बनी तो लोग के सुविधा होई। 20 साल से अधिक ये सब कारोबार में लागल बनी रार बेटा अब रोबरे नुकसान कदम पर चलता नहीं, कितना लगा था कि बेटा कितना और तरक्की करी है? जरूर कर उनके सहयोग से इक्वली होता हम कहता मैंने सीमेंटे बालू गिट्टी छोड़ में रह गए सर। अच्छा। वो अलन तो मैंने बहुत आगे करता रहो। अच्छा। हाँ, ये आशा ना रहे हमरो लेकिन सब उनके मतलब नया इंटीरियर के जितना हो सके मतलब नया जो नया करी कुछ मैंने बिल्डिंग मटेरियल में जो भी नया लॉन्च हुई तो आई। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल एक से छोड़ के दूसर ना खाली हमारी है बा एक छत के नीचे मकान के सब सामान मिल जाए बस।